मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाजी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। औदयी भाव का कर्ता तो जब तक दिखाई देगा साधर्मी वात्सल्य का जन्म नहीं हो सकता। उपदेशों से, प्रेरणाओं से, कथाओं से, मजबूरी से, सामाजिक परिवेश से भले ही हम अच्छी प्रवृत्ति करते दिखाई दें, वो तो वहां लेना था भाव थी, खैर देख लेंगे कोई बात नहीं। ख्याल में आए ना, कर्तव्य बुद्धि जब तक होगी तब तक वात्सल्य का जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि औदयी भाव का कर्ता मने तो अपराधी हो गए ना, वो तो आपने क्रोध किया तो आप उसके कर्ता हो, तो आप जब क्रोधी हो आप तो हम आपसे प्रेम कैसे कर सकते हैं, रागी से प्रेम कैसे कर सकते हैं, शत्रु से प्रेम कैसे कर सकते हैं, पाप करने वाले से प्रेम कैसे कर सकते हैं। औदयी भाव का कर्तापना देखने से साधारण वासल का जन्म नहीं हो सकता। यहां तो कह रहे हैं प्राणी मात्र में, चाहे वो एकेंद्रीय जीव क्यों ना हो, संगी पंचेंद्रीय में अंजन चोर क्यों ना हो, वात्सल्य का जन्म होना चाहिए। तो वात्सल्य जन्मे का के बल पर अकर्ता भाव की दृष्टि देखने पर, एक राजा है, एक राजा वो शराब पीकर सड़क पर गिर गया और गालियां दे रहा है, समझ लो तो आपको उसको देख के दया आएगी कि क्रोध आएगा उस पर। राजा है, इतना बड़े सल्तनत का राजा है, क्या बताएं, यानी कैसी बुद्धि हुई बिचारेगी, दया आ गई, यानी कैसी बुद्धि हुई बिचारेगी, अरे यानी किसने शराब पिला दी, ये बेचारा क्यों सड़क पर पड़ा है, मैंने दया आ रही क्रोध आएगा, क्या है दया आई, अरे शराब के नशे में गालियां बकरा, इसे होश नहीं बिचारेगा। ऐसे ही एक भगवान है, परमेश्वर है, अपने स्वरूप को भूल गया है, पांच इंद्र के विषय भोगों में उलझ गया है, कर्म के उदय में बेचारा क्रोध मान माया लोभ रूप परिणम रहा है, तो दया का पात्र है कि क्रोध का पात्र है, करुणा का पात्र है। वात्सल्य में से करुणा आती है, क्रोध नहीं आता। एक भावना होती है, एक तो हमें ऐसा लगता है मैं इससे बदला लू, इसने मुझे गाली दी बदला लू, एक ऐसा लगता है अरे किसी प्रकार इसे होश आ जाए, शराबी से क्या करें उलझे, किसी तरह इसका नशा दूर हो जाए, किसी तरह होश में आ जाए, बेचारे इसको खबर नहीं बिचारेगा, नहीं तो गटर में पड़ा रहता है, नहीं पड़ा रहता ऐसे ही नव द्वार भय गिनकारी में पड़ा रहता है। अरे एक बार इसे प्राणांग भाव की दृष्टि हो जाए, अकर्ता स्वभाव का वेदन हो जाए, माने जीवों को ज्ञानियों को ऐसी करुणा आती है। ये वात्सल्य असली वात्सल्य की बात है, इसके बिना करके दिखाओ आप। औदयी भाव का कर्ता पने में से वात्सल्य निकाल के बताओ, संभव ही नहीं है बिल्कुल। देखो हम प्राय करके जब परिवार की चर्चाएं लेते हैं तो अपन सब भी समझते हैं कि अंदर अंदर ज्वालामुखी है, लेकिन ऊपर ऊपर शांति है, अंदर अंदर ज्वालामुखी, क्योंकि सब जीव अपने अपने ईगो पर बैठे हों तो अंदर में तो ये लगता है कि करें क्या, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, कानून क्या कहेगा, अच्छा नहीं लगता, और मन मार के इसको अपनी भाषा में कहते हैं मन मार के रह जाते हैं। मन मार के रहना मतलब ठीक है एडजस्ट कर ले रहे कोई बात नहीं, अब पिताजी कितने साल की और 10-5 साल की भुगत ले, माने इस तरह की लैंग्वेज में, तो भुगत लेने में क्या हुए। इसलिए मैंने भी कई पॉइंट भी ना, उन कारणों से भी कदाचित ऊपरी व्यवहार अच्छा दिखाई देने पर भी मेरे आपके बीच में अच्छा संबंध ना रहे, आज मैं कोई नाराज आ रहा, कोई झगड़ा हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, तो अभी आप ये सोचोगे इज्जत से चले जाएंगे, अंदर अंदर क्या लगेंगे इज्जत से चले जाए, छुट्टी हो, अगली बार बुलाना नहीं बुलाना बात की बात है, लेकिन इज्जत से चले जाए, क्या मतलब ढांक लो भैया, ढांक लो क्या करो, करो क्या। लेकिन साधारण वात्सल्य बहुत उत्कृष्ट कोटि की चीज है, वो तो लेख पढ़ के आ रहे थे ना, इसलिए वो विकल्प आ गया, क्योंकि 8 अंगों की चर्चा हो नहीं पाई ना, तो इसलिए वो विचार में रह गई चर्चा, वो थोड़ी
हम भी पारिणामिक हैं, तो उस दिन जैसे चर्चा चल गई थी कि तो निशंक तंग प्रकट हुआ, तो निशंकता एकांगी नहीं होती, निशंक तंग अपने बारे में नहीं होता, फिर तीन लोग के सारे जीवों के बारे में निशंक हैं हम, ये जीव परिणाम से भिन्न है, विश्व के सारे जीव परिणाम से भिन्न है, पर्याय के मामले में भी निशंक हैं हम, जिस जीव का जिस समय में जो पर्याय आने का काल होगा वो आगे पीछे नहीं होगी, निशंक निशंक तंग, पर्याय के मामले में भी क्रमबद्ध पर्याय निशंक तंग, किस जीव को केवल ज्ञान कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, ये केवल ज्ञान में नोंद है, राजमल जी साहब की टीका में नोंद है। अब अपन शंका का ही करना, देखो अपन तो इसलिए टेंशन लेते हैं कि हम जिस सोच रहे हमारे घर में 20 मेंबर हैं तो ऐसा लगता है इन सबका मोक्ष होना ही चाहिए और किसी का हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपने घर में से एक आध नरक में भी चला जाएगा तो आप थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा आपको, और त्रियंश में जाएगा तो रखना पड़ेगा, करोगे आप, देखो परिणामों की विचित्रता, एक जीव मोक्ष में चला गया, एक स्वर्ग में चला गया, एक नरक में चला गया, मैंने अपने धीरज अपने क्या लगता है, नहीं हमसे रिलेटेड व्यक्तियों की ये भी एक ईगो है, ईगो ईगो मैंने हमसे जुड़े हुए हमारे परिवार के सारे जीव मोक्ष जाए, और बाकी सम्यक दृष्टि इतना नैरो माइंडेड नहीं होता, वो तो ये सोचता तीन काल तीन लोग के सारे जीव भगवान स्वभाव को जाने और अपने स्वयं समय में भगवान बने, बस भावना दिन रात मेरी, तो भावना कौन सी है, सब सुखी सारे जीवों की बात है, केवल इतना ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है सारा दुनिया बदनाम हो जाए तो अपने इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अपने घर का एक मेंबर बदनाम हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है, ये मोह की लीला रहती है थोड़ी सी, लेकिन साधर्मी वात्सल्य का जन्म तो साधर्मी वात्सल्य में से ही पानी छानने की शुरुआत हुई, कितनी करुणा रस आया होगा, बुद्धि हुआ हमारे निमित्त से कोई जीव नहीं मरे, आचार्यों ने पानी छानने का विधान बताया, देखकर सोत कर खाने का विधान बताया, रात में नहीं खाने का विधान बताया, देख देख करके चलने का विधान बताया, ये वात्सल्यता का ब्रॉड पिक्चर है, बहुत ब्रॉड पिक्चर है, दुश्मन के प्रति भी, दुश्मन माने अपन भाषा कह रहे हैं, उन्हें उपसर्ग करता हो, बहुपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं, ये कैसा वात्सल्य होगा, मां बहुत इकलौता बेटा हो मां का, और मां को तो बड़ा उसमें प्रेम बहुत हो, और वो बेटा है तो मां का आंचल ऐसे ऐसे करे, घूसे मारे, छोटा सा बच्चा घूसे मारे, नाक लोच ले, ऐसा करे वैसा करे, मां को क्या आता है, क्या आता है, क्रोध, क्रोध आता है क्या, कर जाओ देखोगे खुश होती है, माने बच्चा कितने उपेक्षा उपेक्षा करे, तिरस्कार करे, आज्ञा नहीं माने, चिढ़ा जाए, भाग जाए, चीजें फेंक देवे, नष्ट कर देवे, तो भी माँ को तो ये वात्सल्य उसका है, माँ का वात्सल्य है, अब कोई बात नहीं, बेटा तो हमारा ही है, बेटा तो हमारा ही है, देखो ऐसे तीन लोग के सारे जीव पारिणामिक भाव है, प्रभु है, परमेश्वर है, बस खबर नहीं है, अब ये उपसर कर रहा है तो भले ही कर ले, भी क्या करेगा, देखो उपसर करता के प्रति भी क्रोध नहीं, नहीं आता क्रोध, ऐसी कोई अद्भुत बात है, ये पारिणामिक भाव, हम तो कह रहे इस बार यदि किसी नए नए जीव भी हो उन्हें लगे सर कि पता नहीं क्या पारिणामिक कर रहे हैं, तो भाई पाठशाला में आना, गोष्ठी में आना और सुनना और समझना, क्योंकि इसके समझे बिना काम नहीं चलेगा, अपन नाटक कर सकते हैं बात से लेगा, सहज स्वभाव से नहीं उत्पन्न होगी ये चीज, नहीं तो रत्नगढ़ साहब को चार्ज में कितना अच्छा लिखा है, क्रोध करने वाले पर तो दया आए, क्यों आए, एक तो बेचारे ने क्रोध किया तो हमारी तो निर्जरा कर दी इसने, हमारे तो अपयस की, जो जो पास आता बेदनी आदि की जो हमारी थी वो उन पाप की तो निर्जरा कर दी, मैंने निमित्त बन गया ये, और ये बेचारा कर्मबंध बांध के बेफिजूल हमारी तो निर्जरा करी, और ये भी चला नरक चला जाएगा, माने जे ये व्यक्ति नरक जा करके मेरे कर्मों की निर्जरा में निमित्त बन रहा है, अरे ये तो हमारे करुणा और प्रेम का पात्र है, क्या कह रहे हैं, करुणा और प्रेम का पात्र है, इसका नाम अनंत पुरुषार्थ, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने में अनंत पुरुषार्थ, और इस निर्णय के पुरुषार्थ में उसके फल में समता प्रकट होती है, उसके फल में मैत्री प्रकट होती है, वात्सल्य प्रकट होता है, ऑटोमेटिक प्रकट होता है, उपगमन कौन करेगा बताओ, उपगमन कौन करेगा, औदयिक भाव की वैल्यू हमें है ही नहीं,
बता विश्व में सबसे बड़ा गंदा बोधक भाव कौन सा? हमारी नजर में वैल्यू जीरो। अब हम उपगुण करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे, हम उसे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे। देखो देखो देखो, अरे उस दिन की बोलो, उस दिन की, उस दिन की क्या बोले, बौद्धिक भाव की वैल्यू क्या है? एक समय की चलिए। और वो बौद्धिक भाव विश्व का कितना ही खराब से खराब हो, वो भगवान आत्मा को छूता ही नहीं, भगवान बनने की शक्तियों को छूता नहीं, परमार्थ ताकत को छूता नहीं, उस भगवान आत्मा बिगड़ा ही नहीं कुछ का, उसका उसका भी, क्रोध करने वाले का भी। अब हम किसका बुरा माने बोलो? खुद ही क्रोध कर लेता है जी, वो अपने पे कर लेता है, लेकिन उस पे दया आई। पर अपने में देखा जाए तो भैया उसका उपगमन करने का भाव आया। क्यों आया बता, मैं एक दृष्टांत दूं। आपकी एससी एसटी की सीट हो इधर विधायक या सांसद की, समझते बेटा है? अच्छा, हमें क्या मान, हमने दृष्टांत दिया। अब कल तक तो झाड़ू लगाने आता था आपके यहां, कल तक, अब सांसद बन गया। अब तुम उससे ये कहोगे जब वो जीत के आएगा, कहो बेटा हमारे घर की झाड़ू लगा देते तो उपगमन करेंगे, उपगमन भूल जाओ, अभी मत बोलो, मालूम सब है, मालूम सब है, अभी मत बोलो। अब वो सांसद है, विधायक है, पार्षद है, पता उपगमन का भाव कैसे आ गया आपको? और कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करेगा, कोई भी एक भी व्यक्ति मिस्टेक नहीं करेगा इस मामले में। अरे रे, उसकी झाड़ू लगाने की क्रिया तो जाग चली गई, अब तो वो समर्थ है। ऐसे अनंत सामर्थ का पिंड भगवान आत्मा है, पारिणामिक भाव है। अब तुम एक समय के राग को याद करते हो, ये उपगुण खत्म कर दिया आपने, स्वभाव की दृष्टि करके। उपब्रह्मण शब्द भी आता है, उपब्रह्मण बड़ा, उसकी वृद्धि करो, शुद्धि की वृद्धि करो, जो उपब्रह्मण है अपनी शुद्धि की वृद्धि करो, स्वभाव की आश्रय करके। स्थितिकरण कौन करेगा? जैसे औदयिक भाव पाण्डव भाव का अंतर मालूम हो, वो कहेगा बारंबार, अरे तुम कहां टकरे हो, ये औदयिक भाव हो जाने दो। स्वामी जी है ना, जितने भी क्षमा मांगने वाले आते थे, पहले तो विरोध करते थे, फिर क्षमा मांगते, गुरुदेव कैसे गली लगा लेते थे फटाफट, एक सेकंड नहीं लगता था, क्या एक समय नहीं भूल चेने थी गई, चली गई, अब पति गई नहीं, अब का चक्कर पड़ना लगा, कोई बात नहीं, बस बस भैया भूल रही भगवान को देखो, भूलेला परमात्मा छो, ये कायम से आवाज आती थी, ये स्लोगन नहीं है अपन, जैसे देखो अपने में से शायद किसी ने बहुत अच्छे से भूलेला भगवान का प्रयोग किया हो जीवन में, भले हमने गुरुदेव की नकल कर ली हो, सुना दिया हो, सुन लिया हो, जो भी बात, लेकिन हमारे सामने कोई भूला हो, कोई बहुत विरोधी हो, कट्टर, और उस समय हमें दृष्टि में ये याद आई, देखो परमेश्वर है, और वादी भाव की कैसी लीला हो रही इसकी, देखो तो बेचारे भूले भगवान है, कोई बात नहीं, बैठो भैया। जब तक गुरुदेव श्री की, ये अंदर से आया कैसे, ये बाकी छोटे नहीं है, ये बहुत गहन और गंभीर है। जब सुबह प्रवचन करने के बाद हम जा रहे थे, हमें एक चीज याद आई, हम आपको बताना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं। क्या बेटा विरल, सम्यक दृष्टि भावलिंगी संतों पर उपसर करे कि नहीं करे? आगे जाए बेटा, आगे आगे जाए, सिद्ध प्रकाश बोलो करे कि नहीं करे? नहीं करेंगे। अब उसमें से एक निर्णय निकला, वो बता रहे हैं आपको, औदयिक भाव उपसर्ग करता है, सम्यक दृष्टि उपसर्ग नहीं करता। सुना, सीता के जीव ने उपसर्ग किया था कि नहीं किया था? सीता का जीव 15वें स्वर्ग, कौन से स्वर्ग में गया? 16वें स्वर्ग, 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र। देखो रावण जिससे दुश्मनी थी उसे तो सम्यक दर्शन कराने गया वो। क्या कैसे औदयिक भाव देखो, लक्ष्मण को सम्यक दर्शन कराने गया, और जो पति थे तद मोक्ष गामी है, जिनसे अत्यंत पूरे जीवन प्रीति रही, सब बात रही, सब बात रही, लेकिन उन्हें उपसर्ग करने आए थे। प्रवचन के बाद में सोच रहा था ना, औदयिक भाव की बात बता रही, बोलो अब बोलो, सम्यक दृष्टि उपसर्ग करे कि नहीं करे? और चलो सम्यक दृष्टि पता नहीं, हो सकता है वो मिथ्या दृष्टि हो गया, और सीता का जी हमें नहीं मालूम, लेकिन देखो तो आप क्या करे, पूर्व भव में इतनी प्रीति पति पत्नी की है, स्त्री सपरिया उधर छूट गया कि नहीं छूटा, ये हमें नहीं मालूम, हम कह नहीं सकते, लेकिन ये तो आप गणित लगा लेना, यदि सम्यक दृष्टि है तो औदयिक भाव उपसर्ग करता, ये कहना है। सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता, औदयिक भाव है वो,
यदि रामचंद्र जी ने कर्म बांधे हैं तो उनकी ही पत्नी अगले भव में आकर उपसर करे लो। अब इससे बढ़िया राम सीता से बढ़िया कोई मॉडल मिलेगा अपने को दंपत्ति का जिनको हम आदर्श कहें? राग के वजह से बात तो कुछ भी रख दो आप उसकी अस्थिरता का है, लेकिन उपसर किसने किया हमारा प्रश्न ये है। औदयी भाव ने किया ना, स्त्री उपसर्ग है, स्त्री जनित उपसर्ग, एक स्त्री हाँ परिसर है, परिसर कह लो, स्त्री परिसर नाम का परिसर हुआ, स्त्री नाम का एक परिसर है ना, 22 परिसर है वो परिसर हुआ, परिसर कह दो उसको। लेकिन हम गजब देखो भाव कहा, राग कैसा अंधा होता है ये बताने का, कैसा परिणाम उत्पन्न हो जाता है। हमें नहीं कह रहे कोई करने योग्य नहीं, ले विचित्रता औदय भाव की बड़ी विचित्र, इसलिए ये आश्रय करने लायक नहीं, राग करने लायक नहीं, प्रीति करने लायक नहीं। आज अच्छा हो तो भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इसका या को कौन पतियारा इसका क्या ठिकाना। और किसान वाले जीव को खराब दिखाई दे आज का औदय भाव, भगवान है वो, भविष्य में बढ़िया हो जाए, चक्कर मत पड़ो, द्वेष नहीं करो। मैंने साधरी बासल का जन्म, उपवन का जन्म, स्थितिकरण का जन्म इनसे होगा, और जो सात चीज हो तो आठवीं प्रभावना ऑटोमेटिक हो जाएगी, प्रभावना ऑटोमेटिक हो जाएगी, बस सात के बाद आठवें नंबर पे जाके प्रभावना अपने आप हो जाएगी। बहुत सुंदर जैन शासन, मैंने अब इसलिए इससे सिद्ध हुआ थोड़ा, अपन इस पर और विचार करें थोड़ी सी, खूब विचार करें, अच्छी चर्चा है इसमें थोड़ी सी। चलिए अब अपन थोड़ी सी चर्चा ले, पहले तो अपन पुराना प्रश्न ले ली इनका बाबू जी का है ना, क्या 20 पद का, हालांकि आपने किस एंगल से लिखा है हमें नहीं मालूम। देखो यदि अपन 13 पंथ सामना के हैं, सीधी सी बात है, तो अपन 13 पंथ में कट्टर रहे, शुद्ध आमना में कट्टर रहे, सीधी सी बात। अब घर परिवार के आगे पीछे से आपका जैसा भी संबंध हो उसे हमें नहीं मालूम, यदि हो तो अपन इतनी बात जानते हैं कि तत्व अभ्यास करने से शुद्धामना ही सही भाषित होगा, स्वाध्याय करने से, तत्व निर्णय करने से। देखो एक बहुत सिंपल सी बात कहें, बात ये नहीं है कि कोई 20 पंथ का हमें द्वेष है कि गलत है, मूल में देखा जाए 13 पंथ 20 पंथ एक ही आचार्य, एक ही सर्वज्ञ, एक ही आचार्य के ग्रंथों से प्रणीत है मूल में। अब जो थोड़ा विषमपना आया बीच में, वो पूजा अर्चना संबंधी एक तो थोड़ा, और जो भी अपने को मालूम है 2400 तीर्थंकरों की उनकी मुख्यता कर देना, देवी देवताओं की, यक्ष यक्षिणी, तो 13 पंथ आमना में इन चीजों का स्थान नहीं। वास्तव में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, हम कह रहे जैसे अपना 13 पंथ ही मंदिर है, लेकिन वो फण वाली प्रतिमा है, अब चल रही तो चली रही, क्या करो वाला, तो हम उसके विसंवाद में नहीं पड़ना चाहे। हमारा मतलब तो एक है कि क्या भगवान की प्रतिमा पर परिग्रह हो सकता है, बस प्रश्न इतना है, क्या भगवान सचित्र फूलों का स्पर्श कर सकते हैं? जो मुनिराज फूलों के त्यागी हैं, त्यागी हैं जीवन भर, ब्रह्मचर्य ले ना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में ही आ गई ये बात, ब्रह्मचर्य में आ गई ये बात, मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे हाथ में फूल हो तो पाप है मेरे लिए, अपराध है बहुत बड़ा, मुनिराज की तो बात ही बहुत दूर है। अब 13 पंथ 20 पंथ का मूल कहानी तो बट ये वही 13 पंथ और 20 पंथ पर आगम रथ सिद्ध करते हैं, मैंने सब अपने अपने आगम से सिद्ध कर देते हैं, तो 20 पंथ हो तो वहां जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? 13 पंथ ही मंदिर है वहां चले जाओ, अब मजबूरी है, मान चलो 20 पंथ कहीं मंदिर में जाना पड़े, कहीं आपके और कहीं है ही नहीं 13 पंथ ही मंदिर, तो 24 ही प्रतिमाएं होती हैं छोटी छोटी, आप उनका दर्शन कर लो, पंचमेरु हो उनके दर्शन कर लो, छोटे मानस्तंभ के दर्शन कर लो, कहने का मतलब अपना काम निकाल लो, उधर काम निकालने वाली बात है, सीधी बात तो है, केसर ना हो फूल नहीं चढ़े, खुद अभिषेक करके ऐसा भी कर सकते हैं, खुद अभिषेक पूजन करके कर ले, माने जैसी सुविधा, मेरा मतलब वहां से काम निकालने वाली बात है, वहां कोई बहुत वैसी बात। अब रही बात प्रतिमा जी के बारे में, तो अपन आगम संबंध यदि बात देखी जाए तो समोह शरण में भगवान को इंद्र भी नहीं छू सकता, मैंने वो चंदन लगाना कि फूल चढ़ाना कि सचित्र फल चढ़ाना ये तो कदापि संभव ही नहीं है, मतलब यदि आगम से ऐसी बात करें। बाकी इस पे तर्क बहुत है, चर्चाएं बहुत हैं, हाँ ठहरे बराबर, बिल्कुल
मंदिर में, हाँ आठ दिन जब तक चला था, बराबर है, साक्षी है, खूब वात्सल्य दिया, बरोबर, बहुत माने बस इस ये घटना बहुत अच्छी, अपन लोगों समय गए रोज दर्शन पूजन करते थे सब लोग, कहीं कोई बाधा नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शास्त्र वही, हाँ एक ही चीज है सारी सारी। अब इसके बाद की जितनी कहानियां हैं वो सब राजनीति प्रेरित हैं सारी सारी, वो राजनीति, अब इनका तो इतिहास पढ़ो से बड़ा वैसा है उसमें, अब इसमें ये समझ लो भैया, अपनी श्रद्धा सुरक्षित रखना, कली काल में ज्यादा समाज में पढ़ नहीं सकते अपन, राजनीति में पढ़ नहीं सकते, आप ये देखो कि बस मूल भगवान की प्रतिमा कैसी होगी, हमें तो ऐसा है जैसे मान चलो किसी का पति उसके सिर पे बाल नहीं हो और उसकी स्त्री पति का जो बाल वाला फोटो हो रखे तो कैसा लगता है उसे, दो फोटो में से एक फोटो को नकार दे और बाल वाला फोटो रखे हो पति को कैसा लगता है, पति वो फ्रेंच कट नहीं रखता हो और पत्नी पति का ऐसा फोटो बनवा ले नकली, तो उस पति को कैसा लगता है बोले माने जो चीज जहां नहीं होती हो वो करने योग्य नहीं, भाई इतनी सी बात है इसमें, बाकी इसमें चर्चा और बहुत है, अब तो इससे आगे हम कहेंगे तो फिर वो सब चली जाएगी, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं, बचने की प्रयत्न करें बस, और अपने 13 पंथ आमना में रहें, तो हम तो 13 पंथ मंदिरों में भी ये कहते हैं 13 पंथ की सुरक्षा करने में चित्त लगाओ, स्वाध्याय नहीं करेंगे सुरक्षा नहीं हो पाएगी, अपने ही बच्चे अपने ट्रस्टी प्रभावित होकर चमत्कार नमस्कार झट बह जाती है, बहुत मुश्किल पड़ती है, अभी कौन सी जगह थी पता नहीं, खनिया था ना एक दो जगह, ग्वालियर की भी प्रतिमा क्या बताएं, और कहां है वही बात हमने कही ना, अभी अपना काम निकालना कैसे, या तो आप पूजा प्रक्षाल करके आपने प्रतिमा सुरक्षित कर ली, वो भी इस साइड का, आप देखो इसमें हम बात कहेंगे, इसमें अपन जैसा नियम लेते हैं ना उसका पालन वैसे होता है, यदि आपको है कि जिन दर्शन नहीं मिलेगा तो हम शास्त्र दर्शन करके पूजन करके स्वाध्याय करके भोजन लेंगे तो आप ले सकते हैं, एक बार ऐसा है तो जल्दी अपना देखने चाहिए, वो तो सब ठीक नहीं है, हाँ सुनने को तो बहुत सारी बातें हैं, है ना, ग्वालियर की अपनी गोपाचल पर्वत पर अब माता जी का प्रवेश हो गया, मतलब अब वही पंचकल्याणक होगा पंचामृत फिर वही सारा सारा, अब 13 पंथ आपसे कब से संभाले बैठे थे अपन, और जरा पैसों के लालच में आगे ट्रस्टी फटाफट प्रभावित हो गए ज्ञानमती माता जी से, अब वहां पंचामृत हुआ दिसंबर वगैरह में जो भी कुछ हुआ भगवान जा रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ क्या हुआ, कुछ कार्यक्रम था दिसंबर में, हमारा मतलब ये है कि अपने ही लोग जब तक समझदार नहीं होते स्वाध्याय नहीं होते, वो माता जी हमारे कहें साथ खनिया था ने कहा 3 दिन का उपवास करके बैठ गए कि पंचामृत नहीं कराओगे तो मैं आहार नहीं लूंगा, अब दो तरह की बातें होने लगी पूरी समाज में, जो स्वाध्याय नहीं करते भैया इन्हें करा दो इन्हें ऐसा करा दो, जो स्वाध्याय नहीं करें वो तो ऐसा करें, उनका पाप पुण्य भी जाने अपना क्या जाता है, एक बार काम शुरू हो जाए उसका बड़ा भयानक फिर वो है, लोगों ने साफ कह दिया साहब आपको आहार लेना हो तो लो, यहां नहीं होगा कुछ आप बिहार कर जाओ, आखिर उन्हें बिना हार के बिहार करना पड़ा, तो कभी जो स्वाध्यायी हो प्रभावशाली हो तो उसकी कड़कता से 13 पद की रक्षा हो जाती है, अब बातें तो बहुत है इसकी, कैसे कैसे सब अपने अपनी राजनीति चलते वो अपन नहीं चाहते, अपन तो चाहते हैं आत्मकल्याण हो बस, औद्रिक भाव पारिणामिक भाव से भिन्न है इसका ज्ञान तो होगा, इसका वेदन कैसे होगा, इसकी विधि क्या है, बस ज्ञान ही वेदन की विधि है, ज्ञान वेदन की बहुत बढ़िया विधि है, शानदार विधि है, एक ही साधे सब सदे वाली बात, ज्ञान और विधि दो चीज है ही नहीं, समय सार जी मोक्ष अधिकार में पूछा है, करो मत कैसे चलेगी, वेद विज्ञान कैसे होगा, आत्मा का अनुभव कैसे हो, तो हम प्रज्ञा छेनी शब्द लिए ना, प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी माने ज्ञान करना, आप ज्ञान करो ना, एक बार आप जानो ना आत्मा को आत्मा जानो, आपको आप रूप जानो, ज्ञाय को ज्ञाय जानो, ध्रुव को ध्रुव जानो, इसमें बहुत पुरुषार्थ है, इसको इसको ऐसा अच्छा जान तो लिया पारणा में, अब क्या करें, अरे
कर लिया, अप्रसन्न रहा प्रसन्न, अब बाकी क्या रहा। मैंने ज्ञान से भिन्न कोई विधि नहीं है, यानी ज्ञान तो हो गया परिणामी भाव का, अब वेदन की विधि क्या है? वेदन की कोई विधि नहीं है, वेदन में आनंद ही आनंद होगा आपको। हाँ, अभी यदि विकल्पात्मक ज्ञान है तो निर्विकल्प होगा, निर्णय होने पर, निर्णय होने के बाद वही निर्विकल्प बन जाएगा, वही विधि या कोई विधि नहीं। व्यवहार की भाषा है, व्यवहार की भाषा ऐसी है करना है, लेकिन अपन करने का अर्थ भी अकर्ता समझना, व्यवहार में जो शब्द कहे जाए उनका उल्टा ऐसा अर्थ निकाला जाता है, अकर्ता है वो, तो अकर्ता जानना ही करना कहने में आता है इसमें। ठीक है, आनंद गुणों का स्वाद एक समय की पर्याय में कैसे आ जाता है, इसके तो दृष्टांत बहुत फेमस है, कल परसों प्रदीप जी भैया ने भी दिया था, श्री खड़े हो सिकंजी का, वो क्या कहला, ठंडाई का, और ठंडाई में इतनी चीज डाली कैसे स्वाद आ जाता है एक समय में, कैसे आ जाता है? हम तो कह रहे देखो इसका थोड़ा स्वाद है, बस सोई पकड़ में आ जाएगी चीज, बहुत सुंदर। देखो ये गुण में अनंत गुणों का रूप होता है, एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है ना, ऐसे एक पर्याय में अनंत पर्यायों का रूप होता है गजब। देखो एक पर्याय में देखिए, पर्याय में थोड़ा सा ज्ञान की पर्याय कैसी हुई, जानन जानन रूप है। अब ये जानन जानन ही वस्तुत्व गुण की पर्याय है, प्रयोजन भूत काम, तो ज्ञान ने पर्याय ने अपना प्रयोजन भूत काम किया कि नहीं किया, तो फिर हम ये पूछ रहे कि ज्ञान की एक पर्याय ने जानने का काम किया कि अपना प्रयोजन भूत काम किया, क्या किया? तो जानने का काम किया ना, तो जानन जानन की अपेक्षा से देखा, ये उसका ज्ञान गुण की पर्याय, और प्रयोजन भूत काम किया, जानना ही प्रयोजन भूत है इसलिए वो प्रयोजन भूत काम हुआ, ये वस्तुत गुण का रूप हुआ, और जानने की सामर्थ्य है ये वीर गुण का काम हुआ, और जानने की सत्ता है, जानने की सत्ता ये अस्तित्व गुण का काम हुआ, और जानना किसी के ज्ञान का विषय भी है, प्रमेय गुण का भी काम हुआ है। एक एक पर्याय में आनंद पर्याय का रूप आ जाए, एक गुण में आनंद गुण का रूप आ जाए वो, और अब बताओ एक एक पर्याय में आनंद गुणों का स्वाद आया कि नहीं आया, कोई चर्चा हुई ना, एक पर्याय में आनंद गुणों का स्वाद आया कि नहीं आया, वो जानन जानन में स्थिर है, स्थिरता जानन का विषय, स्थिर एक विषय को बनाने से जानन बनने का स्थिरता, इचारित का स्वाद आया, ले चारित का स्वाद आ गया, ये जानना ही है, ये श्रद्धा जानन की पर्याय जाननमयी ही है, श्रद्धा श्रद्धा का स्वाद आ गया, अनंत गुणों का रूप आ जाता है। पर एक समय में क्यों आ जाता है हमें बताओ, अपन भले नहीं देख पाए इतनी बड़ी ये बिल्डिंग के सब अपने पर्याय परनम्र है कि नहीं परनम्र है, परनम्र नहीं परनम्र है, नहीं परनम्र है कि अपन देखेंगे तो ही परनमेंगे, वे तो परनम ही रहे हैं, ऐसे आत्मा में अनंत गुण अनंत पर्याय प्रति समय परनम ही रही है। अब एक काम करो, सम्यक दर्शन कैसे हुए कि वो परनमता हुए को परनमता हुआ जानो, ये डाउट मत करो कि हम देखेंगे तब स्विच ऑन होगा तब परनमेंगे, मैंने इतना भी बाकी मत रखो, हम परिणमाएंगे ये भी मत रखो, और कोई हमारा परिणमन को बाधित कर सकता है ये भी मत सोचो। तीन लोग में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो आत्मा के अनंत गुणों का परिणमन रोक दे, अबाधित है, अबाधित जोरदार, इतना जोरदार था तुम्हें, इसलिए करता भरता उसकी तो बात नहीं, लेकिन वो स्वाद सहज है, सहज वो स्वाद भी सहज है, उसमें कुछ करने की कर्तव्य तो की गुंजाइश नहीं बचती है, आनंद करो बस, आनंद करो माने, और आनंद के नाम पे ऐसा लगता है कोई नई नया स्वाद आए, नया टेस्ट हो, तो इसमें नया टेस्ट नहीं है, इसमें कोई नया ज्ञान हुआ ऐसा अद्भुत कि कुछ करना बाकी नहीं रहा, निश्चिंत। देखो पहले जमाने में शादी आती थी ना घर में तो बहुत टेंशन हो जाती थी सबके चेहरे पे, लंबी शादी होती थी 10-15 दिन की, अभी तक काम बहुत सारा काम, इस साल गेहूं लेके रखो, शक्कर लेके रखो, फला जोड़ो, ये करो वो करो, पापड़ बड़ी सब, पूरा घर बिल्कुल हैरान हो जाता था, महीना 15 दिन बड़ी हो पापा और जी और मिट्टी और चूल्हे और सब कर करके बहुत हैरान। अब समझ लो शादी का नंबर आया और माँ बाप को फिर टेंशन हुई, टेंशन नहीं करो कुछ नहीं करना, बोले क्यों, हमने ठेका दे दिया ना, हमें गेहूं खरीदना है ना चावल खरीदना है ना दाल खरीदनी, कुछ नहीं करना, ठेका दे दिया, अपन तो क्या करेंगे कि अपन तो ठीक 8 बजे बारात लेके चलेंगे सीधे, बस हमने कुछ नहीं करना, बाकी सब वो करेंगे, अपन क्या करना है,
तो फिर अपना परसना तो, हाँ परसना भी नहीं है, वो सब कैटरिंग पार्टी है सारी, और कुछ करना है? पानी मानी नगर निगम से बुलाना है? कुछ तुम कुछ नहीं करो, तुम तो केवल शांति से खड़े रहो। अब बताओ यहां से शादी का ठेका पा करके, मैंने दे करके कितना प्रसन्न है जी, शांत, अब कुछ करना ही नहीं है, न पत्तल लाना, न दोना लाना, न और थाली लाना, न लोटा, न गिलास, न कुछ, हिसाब सब रेडीमेड। दृष्टांत खोटा है भैया, आप मर्यादित दृष्टांत है, हमारी मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन दृष्टांत है। मैंने जैसे अकर्ता बने का कितना आनंद आया बताना ही है। अब हमें कुछ करने का भार नहीं रहा चित्त में, साहब वेलकम करने के लिए क्या करना है, वो भी सब खड़े हैं साहब, आप चिंता ही नहीं करो। साहब वो नाम का बोर्ड लगाया वो नहीं लगाया कि हमने साहब वो सब ठेका दे दिया, वो नाम का बोर्ड भी लगेगा परिवार का, मैंने ए टू जेड पूरा काम हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। अब तो बारात भी नहीं ले जाता। अब बोलो, अब नहीं इतना काम, ऐसी बात सुनकर एकदम शादी के नाम पर क्या लगता है, बोलो क्या लगे, कुछ भी नहीं लगे, बस आनंद करो, शांति से बैठे बस। ऐसे ही अकर्ता पने का वेदन होने पर अनंत गुणों की जो क्रमबद्ध व्यवस्था है अनादि निधन, वो एकदम सुव्यवस्थित है। केवल इतने निर्णय करने के लिए स्वाध्याय है, बस व्यवस्था बनाने के लिए स्वाध्याय नहीं है। व्यवस्थित वस्तु व्यवस्था समझ करके मेरी मति व्यवस्थित हो गई, क्या हो गई, मेरी मति व्यवस्थित हो गई, बस इसके लिए थी बस, और अपने कुछ नहीं करना, करना क्या है भगवान बनने के लिए, कुछ नहीं करना। एक्चुअली कुछ नहीं करने में ऐसा लगता है तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तुम जिधर देखकर बोल रहे हो वहां वो कुछ हो ही रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। योग विकल्प भी आएंगे, योग प्रणमन भी होगा, योग खान पान भी होगा, योग सब कुछ होगा, लेकिन तुम ये जान लो कि वो होगा कह रहे हैं, करने का कोई काम नहीं है इसमें। बड़ी सहजता का धंधा है भैया, सदगुरु कहें सहज का धंधा, ऐसी गजब बात है। आनंद करना सीखो भैया। एक्चुअली अपन फिर जो पर्याय में बैठ के सोचते ना, तो फिर रोटी नहीं बनाए, कपड़ा नहीं धोए, घर नहीं चलाए, मोड़ मोड़ी नहीं पाले, फला नहीं करें, अरे ये भी गुणस्थान प्रमाण हो जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रहे, हो जाएगा, होता ही है, उसमें कौन करे, उसमें करे कौन, उसमें होता ही है। वर्तमान परिस्थिति खराब है, कोई बात नहीं है, आत्मा की स्थिति बढ़िया है। इसमें लिखा है वर्तमान परिस्थिति खराब है, तो पर स्थिति नाम ही बहुत जोरदार, पर स्थिति, स्वस्थिति कहां लिखी है, परिस्थिति खराब है, परिस्थिति तो कब अच्छी भाई, और सच्ची बात होता है परिस्थिति कभी खराब नहीं हुई, हमारी कल्पना के अनुसार नहीं, इसलिए हम कहते हैं परिस्थिति खराब है, वास्तव में देखा जाए परिस्थिति सदा अच्छी है, क्योंकि तीन लोग तीन काल पूरा व्यवस्थित है, खराब कुछ नहीं है। पंडित साहब के पास एक प्रश्न आया एक बार कि साहब जब से शादी करी बहुत दुखी है, दृष्टांत दे रहे, जब से शादी करी बहुत दुखी है ना, ऐसे जो भी कुछ उसका, बच्चे नहीं सुनते, बहुएं नहीं सुनती, फला नहीं करते, जी जो उनकी शिकायत हो एक्स वाई जेड, सारी शिकायत जो तुम्हारे दिमाग में रख लो, व्यापार धंधा ये वो सब, मैंने सारे क्वेश्चन जोड़ लेने थे। अब उनसे पूछा था बड़े दुखी है, पंडित साहब क्या जवाब आया, दुखी हो इसमें क्या आश्चर्य, आश्चर्य तो इसमें तभी तुम्हें बैराग नहीं आता। तभी तुम्हें ये नहीं लगता कि स्वाध्याय करने लायक है, साधना करने लायक है, आत्मनिर्णय करने लायक है। रोग आके बस मन हल्का कर लेते थोड़ा सा मंदिर में, और फिर जाके भाई, अरे यदि रहना भी पड़ता है आपको, अभी मुनि दशा के लायक नहीं है, आरिका की दशा लायक नहीं है, तो कम से कम वहां रह करके ये तो लगेगी, अरे रे ये सब निस्सार है, निस्सार है, सारवान इधर है, सारवान इधर, काम तो यही करना पड़ेगा, ठीक है थोड़े दिन की बात है, निवलो अंदर का काम करके निकलना है, यहां से निकलना है, बिल्कुल जैसे निकलने आने, जैसे कब निकलना, तो अंदर अंदर तैयारी करो स्वाध्याय करके, और परिस्थिति को दोष नहीं दो, परिस्थिति को दो लोग दोष देते हैं, जिन्हें आत्मकल्याण नहीं करना वो परिस्थिति को दोष देते हैं, और जिन्हें आत्मकल्याण करना है वो परिस्थिति से विरक्त होते हैं। कैसे विरक्त हो जाते हैं, परिस्थिति से विरक्त हो जाते हैं, विरक्त हो और अनीति नहीं करते, सम्यक दृष्टि अनीति नहीं करते, अनीति नहीं करते क्या मतलब, दोष नहीं देते। आप तो मेहनत रहना चाहे बताओ, अपने क्या है, कासरा कर लिए, तत्व निर्णय कर लिए, हमारी नियमितचर्या है भगवंतों के प्रति, आत्मकल्याण के प्रति, तो कर्तव्य करते नहीं है, और फिर दोष
निमित को उदय को दे देंगे, पर को दे देंगे, ये अनीति है। जिना क्या माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, दोष नहीं देना। नंबर एक, स्वाध्याय बढ़ाओ, वेद विज्ञान बढ़ाओ। बाबूजी से एक बात जब हमने कही, हमने भी कंप्लेंट की, समझ लीजिए कि आज स्वामी जी होते तो हम सोनगढ़ चले जाते, उनके पास रह लेते, या पूरे हिंदुस्तान कहीं बात्सल नहीं, साधर्मी का वातावरण वैसा नहीं है, कहां जाए, क्या ऐसा कुछ कहा हमने। बाबू जी का इतना बढ़िया जवाब आया, इतना छूटते से जवाब आया, मैंने कोई बहुत प्री प्लान नहीं, एकदम सरल जवाब। बेटा ज्ञानी परिस्थितियों को दोष नहीं देते, एक लाइन का जवाब बस। क्या बोला? ज्ञानी परिस्थितियों को दोष नहीं देते, भाई एक लाइन का जवाब, आगे कोई टीका टिप्पणी भी नहीं, एक लाइन का जवाब बस। हमने बहुत विचार किया, नरक में जीव कहां चला जाए सम्यक दर्शन करने के बाद, या सम्यक दर्शन करने के लिए कहां चला जाए? द्रव्य छेद काल भाव क्या बदले बताओ, क्या बदले भाव? एक तो ये हमें लगता है कि हम उज्जैन नहीं रहेंगे तो इंदौर रह लेंगे। आप हंसी मजाक नहीं समझो, इंदौर छोड़कर या उज्जैन छोड़कर चले जाना है, जिस समय जिस द्रव्य छेद काल भाव में पंच प्रावर्तन न किए आपको वहीं रहना पड़ेगा। ऐसे हर चीज के मामले में लगा लेना, इसलिए परिस्थितियों दोष नहीं देना। जो संयोग में स्त्री पुत्र अधिक रहने हैं वो रहने हैं, जैसा नौकर रहना रहना है, आपको पता भी है नौकर खराब है, 5 साल तक रहना है आपके पास, आप 5 साल तक हटा नहीं सकते उसे, देख लेना प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल देख लेना, अपन जान रहे हैं बहुत खराब है, निकाल दू मेरा बस चला था, निकाल दू अब सिद्ध प्रकाश का मैं निकाल दूंगा। दादा बोले चुप रहे, अभी रहने, कोई बात नहीं भाई साहब, घाटा कर रहा है सरासर, कर ले दे कोई बात नहीं। मैंने देखो आप कोई ना कोई ऐसा योग बैठेगा उसका, क्यों पंच परावर्तन में जब तक उसको वहां रहना हो रहेगा। ऐसे अब प्रैक्टिकल सोचना, बहुत प्रैक्टिकल। हमें बहुत आसानी से लगता है कि जी देखो कपड़ा हटा दिया हमने, जी हमने हटा दिया, तुम कौन हटाने वाली होती हो? द्रव छेद काल भाव एक एक का परावर्तन है ना, उसका समय उसका छेद, एक एक चीज नक्की है बिल्कुल। वो ये तो बहुत प्रैक्टिकल सोचना, हमें तो अखबार पढ़ पढ़ के रोज दिखाई देती है चीज, जो बोल रहे ना रोज दिखाई देती है बिल्कुल। कौन किसको हेर फेर करे, अपने शरीर तक का तो हेर फेर, अपने परिणाम का हेर फेर नहीं कर सकते। भाव परावर्तन में जैसा भाव, जितना भाव, जिस समय, जो नंबर की पर्याय आनी है वो आनी है, उसे कोई हेर फेर नहीं कर सकता। बोलो यदि अपने हाथ में होता तो पारिणामिक भाव को जानने वाले आदिनाथ भगवान जल्दी 1000 वर्ष क्यों लगा केवल ज्ञान लाने में? बाहुबली को तो अपने 1 साल में टोक देते हैं। बाहुबली स्वामी कितने साल टोक देते हैं? केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ दीक्षा लेने के बाद? 1 साल तक शल्य थी। और अच्छा इनको तो 1 ही साल में शल्य दिख गई तुम्हें, उन्हें क्या थी भैया? आदिनाथ भगवान को उन्हें तो कोई आफत नहीं थी ना, तो उन्होंने क्या नहीं करा केवल ज्ञान 1000 वर्ष तक। अब जो जो भाव परावर्तन बाकी है वो देखते रहो आप बस, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। मैंने आप अच्छी तरह विचार करना, बहुत चर्चा चिंतनी है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव ये पंच परावर्तन को आप 1 इंच भी एक आगे पीछे नहीं कर सकते। होता क्या है, अपने अपने सोचने से होता क्या है, आप देख नहीं, बहुत प्रैक्टिकल एक एक चीज। हम जानते हैं चीज नहीं खानी चाहिए, कब वही चीज थाली में आ रही है, और हम भी सोच रहे थे चलो नहीं खाएंगे और फिर खा लेते हैं। जी क्या मतलब, हो जाता नहीं हो जाता ऐसा? नहीं चाहे करके भी खा लेते हैं वो लोग। इसका मतलब है बिल्कुल स्वतंत्र है भैया, वस्तु स्वरूप एकदम स्वतंत्र है, बहुत जोरदार है। इसलिए भैया परिस्थिति खराब है, कुछ खराब नहीं है, अपन विरक्त हो, स्वभाव में अनुरक्त होना ही विरक्तता है। बताया था मंगलायतन में, स्वभाव में अनुरक्त होना ही विरक्तता है। आप स्वभाव में अनुरक्त हो, असल में हम चाह रहे हैं अच्छा पैसा हो जाए, अच्छा मकान बंगला हो जाए, फिर सब अच्छा हो जाए, तो फिर हम मस्त होकर रहें। वास्तव में तब हमारी गृहता बढ़ेगी और राग एकत्व ज्यादा बढ़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि हमें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी तो हम धर्म ज्यादा करेंगे, ये बहुत प्रैक्टिकल है बात। हम जिस परिस्थिति में खड़े हैं वहां बहुत विरक्त होना सरल है। सरल है माने पराश्रय से नहीं, स्वभाव के आलम्बन से। हम लखपति करोड़पतियों से ही मिलते हैं तो बेबी दुखी है, काय दुखी है? क्या बताएं पंडित जी, पुण्य का उदय कोई को ना आए,
इतना पैसा है उसका हिसाब रख रख के इनकम टैक्स हो चाहिए, और वो 10 तरह की इंक्वायरी, 10 तरह की बातें, साहब हम तो परेशान हो जाते हैं। आप कहते मंदिर जाओ, हमें लग रहा है कि वो पार्टी बैठी है, बैठी रहेगी पार्टी। अपन तो एक बात है भैया, इसकी चर्चा आज रात को करेंगे थोड़ी सी, है ना, तो तब कह देंगे इसका जवाब, थोड़ा सा सुन लेना उस समय। आर्थिक स्थिति सुधारने में तो सारा समय चला जाता है, धर्म कार्य में समय कम लग पाता है, ऐसे समय में क्या करें। सभी सदस्य के अपने अपने कार्य में समझ गए, कोई बात नहीं, बात हुई। एक से बहुत सुंदर जवाब इसका यह है, धर्म करने के लिए ना तो मंदिर की पराधीनता है, स्वभाव की दृष्टि करने के लिए ना तो मंदिर की पराधीनता है, ना ग्रंथों की पराधीनता है, ना क्षेत्र की पराधीनता है, ना काल की पराधीनता है। पराधीनता नहीं, पहले ये समझ लो बस। आप दुकान में बैठे बैठे ईमानदारी से काम करते हो, न्याय नैतिकता से काम करते हो, अंदर में वस्तु स्वरूप विचार करते हो, सबको भगवान आत्मा देखते हो, धर्म करने के लिए और कहीं नहीं जाना। हालांकि इसके लिए हम ये नहीं कह रहे मंदिर नहीं आना, लेकिन जितना समय मिलता है उसका सदुपयोग कर लो। नहीं देखो, फोकट में पाप बांधते हैं। मैं सोच रहा हूं ये 2-4 एग्जाम्पल शाम को दूंगी, इसलिए अभी नहीं देना चाह रहा, एक दो दे दे। नहीं देखो, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, बच्चे से पूछ रहा हूं। सिद्ध प्रकाश विरल तुम बताना है, दो ही जने मिलकर बताना। क्यों विश्व कप की टीम में मैच देखते हैं अपन, एक दृष्टांत देखते हैं, ठीक है। और अपने सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल गलती से आउट दे दे, आउट नहीं था लेकिन आउट दे दे, तुम्हें कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है, कौन है ये एम्पायर है? क्या ऐसे मतलब गुस्सा आती है उनका। हाँ अब बोलो। हाँ इसको इसको बता दिया ना, इसलिए बता रहे हैं ना, उस दिन ने बताया इसको पर्सन। अच्छा क्या, और भारत के खिलाड़ी को छोड़ दे, वो आउट होने पर भी नॉट आउट दे दे, अब कैसा लगता है? अब तुम धर्म करने के लायक कहां होता? मैंने सामने वाली पार्टी बेचारी नॉट आउट थी, तो उसे आउट दे दे तो खुश। मैंने अभी तुम्हारी पार्शलिटी नहीं छूटी दिमाग में से। विश्व कप में कौन को जीतना चाहिए भैया? अरविंद भैया किसको जीतना चाहिए? है? जो अच्छा खेले उसको जीतना चाहिए। न्याय की बात है, न्याय की भाषा है, न्याय की सोच है, लेकिन सब निरंतर 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 पाप बांध रहे। अरे भारत हमें क्या दे देगा? क्या दे देगा बताओ? इंडिया टीम जीते हमें क्या दे देगा? नहीं, उसके चक्कर हम नरक जाने का धंधा नहीं करेंगे, हम क्यों करें? हम तो बेईमानी का पक्ष नहीं लेंगे। नहीं भैया, जो सही खेले से जीते, कोई जीते हमें क्या करना? कोई जीते हम ऐसा अन्याय क्यों करें? मैं एक बात कहता हूं, बताओ ये 1947 15 अगस्त के पहले 14 अगस्त को यदि लाहौर में बम गिरता तो कैसा लगता था राज, कैसा लगता था? 13 अगस्त के दिन गिरता होगा कोई कराची में बम, तो कैसा लगता होगा अपने को, कैसा लगता होगा? अब जी तो अपन ने एक लाइन खींच ली, हाँ भैया ठीक, अब बढ़िया गिरा बेटा, देख तो क्या कर रहे अपन। दो भाई एक संग रहते थे अपने घर में, अब निहारे निहारे हुए, इधर कुछ होता है तो बड़ी खुशी, 10 लाख का घाटा हुआ, वेरी गुड, बड़े भैया मौत में जाओ, ये क्या तरीका? हमारे तो हमारी सोच में तो ऐसी आती नहीं है। मैं बहुत सोचता हूँ, जज करते हैं जज, जैसे अखबार पढ़ा इन लोगों बच्चों ने, अखबार पढ़ा कि कल जवेरी मार्केट में लूट मच गई, और पुलिस ने कह दिया कि जो ले गए सो ले गए, 2 बजे जो लूट मची थी 2 बजे, जो ले गए सो ले गए, हम कुछ नहीं कर पाए। बोलो, 2 बजने में 2 मिनट पहले अपन वहां थे, सिद्ध प्रकाश वापस आ गए सिमनगंज, कैसा लगता है? समाचार पढ़ गए कैसा लगता है? 2 मिनट पहले मैं वहां था, यदि मेरे सामने लूट मच जाती क्या होता है राजेश? मैंने देखो, अभिप्राय में सोच सोच में कितना पाप बांधते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं एक बार दृष्टिकोण निर्मल करो, पहले नंबर दृष्टिकोण की निर्मलता के बिना प्रवृत्ति की कोई कीमत नहीं। भले ही आप नहीं करते चोरी, नहीं करो कुछ करो, लेकिन पढ़ते से जो क्या हुआ आपको, जो कुछ लगा आपको, बहुत बहुत खतरनाक बात है। अन्याय किसी के प्रति हो, अनीति किसी के प्रति हो, कष्ट किसी के प्रति हो, उसके प्रति अपनी संवेदना, ये धर्मात्मा का लक्षण है। ये तो दृष्टांत दिए, ये तो बहुत विचार करने की बातें हैं, है ना? और विचार करना, हमारा मतलब है कि आप दृष्टिकोण सही कर लो, चाहे अपना परिवार हो चाहे कोई हो,
सब जीवों को भविष्य देखो, अब वे सारे पाप नहीं होंगे जो बता चुके पहले हम कई बार, ये हमारा बेटा और जिठानी का बेटा और खाने पीने में डिफरेंस कर दे, देवर को कुछ दे दे, खुद को पति को कुछ दे दे, पक्षपात का फल कौन भोगेगा जी तो बताओ। पति को पति के भाग में घी था एक चम्मच या मलाई थी और देवर के भाग में नहीं थी, आप इसलिए निमित्त बने दोनों में, आप इसलिए निमित्त बने एक को मलाई देने में और एक को बिना मलाई के देने में, क्योंकि उन दोनों के पुण्य पाप का उत्ता उदय था, लेकिन निमित्त तुम बने, उस निमित्त में उस परिणाम का कर्तापना लेकर मिथ्यात लेके तुम गए, हमने किया, हमने चतुराई करी, हमने चतुराई करी, क्या चतुराई करी, अपने पति को बढ़िया दिया, उनको वैसा दिया, उनको ऐसा दिया, उनको ऐसा दिया, अब फल तुम भुगतो, अब फल में समाधि नहीं मिलना आपको, और ये पाप का उदय आएगा तब तुम्हें ऐसा लगे हमने तो कछु नहीं करो भैया जी दुख दे रहे, तुम्हें मालूम नहीं तुमने इतनी छोटी घटना करके कितना बड़ा पाप किया है, खबर नहीं है जीव को, बोले ए इसलिए भैया हम इन छोटे छोटे पाप को छोटा नहीं मानते, मिथ्यात का बड़ा पाप है, हो सकता है तुम दूध में मलाई दे वो ऐसा पाप का उदय आ जाए तो दूध नुकसान करने लगे और डॉक्टर मना कर दे इनको दूध नहीं देना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, दूध नहीं देना इनको बिल्कुल, अब तुम हाथ में हाथ रखे बैठे रहो और देवर को कमजोरी हो गई तो डॉक्टर ने कहा इन्हें खुशकी हो रही है, इन्हें खुशकी, इन्हें घी दो मलाई दो, अब तुम ही डारे जा रहे हैं तुम्हें डारे क्या भैया, अपन तो कहते हैं बिल्कुल पाप नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कर्तव्य बुद्धि छोड़ने का क्या उपाय, यही उपाय है, प्रैक्टिकल उपाय है, वैसे तो आप वस्तु स्वरूप जानो, दो द्रव्यों की सीमाएं जानो, बस अभी इतनी चर्चा आ गई उनमें सबके इसके उत्तर अच्छे आ गए मेरे हिसाब से तो आ गए, फिर भी नहीं समझ में आया तो बात अलग है, लेकिन हमने इसका मतलब है कि स्वाध्याय बढ़ाओ, भक्ति से बढ़ाओ, विशुद्ध चित्त से बढ़ाओ, ये विशुद्धि नहीं, देखो स्वाध्याय सुनना भी औपचारिक हो सकता है, ठीक है टाइम है तो बैठ जाओ, प्रसंग पाके बैठ जाओ, कोई स्पेशल वक्ता आ गया तो आके बैठ जाओ, ए नहीं ये कोई अपनी गर्जी नहीं, बहुत बहुत हृदय से, ये तो गर्जी का काम है, मर्जी का काम नहीं है, गर्जी का काम है, हमारी गरज है ये समझो, हमारी गरज है, अब गर्जी नहीं हो तो मुश्किल है, फिर तो समय तो चला जाएगा, टोटो बजी साहब ने कहा पुण्य के उदय में है ना पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, अवसर तो चला जाएगा, पाप नहीं करेगा पुण्य व्यवहार में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा आचरण में, लेकिन समय तो चला जाएगा, वो लाइन इतनी चुभती है, समय तो चला जाएगा, स्वाध्याय पूजन पाठ व्रत उपवास करके समय तो चला जाएगा, पहले में पहले पारिणामिक भाव की रुचि करो, और रुचि माने वो शब्द तो बार बार वही का वही आता है, वो दृष्टिकोण कुछ ऐसा होना चाहिए सब जीवों में भगवान दिखाई दे, किसे ठगे कैसे ठगे, हरेक से तो हमारे पूर्व के नाते हैं और हरेक के साथ भविष्य में रहना है, बताओ किसे ठगे, क्या कह गए विरल क्या कहा, हरेक से हमारे पूर्व के नाते हैं और हरेक के साथ भविष्य में रहना है, कहां रहना है, इतना इतना व्यापक दृष्टिकोण बना लो फिर देखो तुम कितना आनंद आता है, अभी यही है आनंद, यही स्वर्ग मार्ग तो बहुत दूर की चीज, यही आनंद बहुत होगा तुम्हें, हम तो भैया क्या बताएं, हमारे तो पुण्य को बहुत पूरा देश, हमें ये बच्चे इतने प्यारे प्यारे, ये सब अपने ही थे, कौन है ये सब हमारे तो ही, और है कौन, हर घर में हमारे लिए उतना ही बड़ा घर है, हमारा पूरा परिवार है, सबसे प्रेम मिल रहा है, मैं तो हमेशा कह भी देता हूं दादाजी ये देखो तुम्हारे भाग में तुम्हारी पत्नी से वो सुख नहीं जो हमें तुम्हें रोटी मिलेगी तो उसके साथ उलायना मिल ही जाएगा, तुम शक्कर नहीं लाए कितनी बार गई, तुमने वो सामान नहीं लाए, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, हमें भोजन कराएंगे तो शांति से चुपचाप चले, मैंने वहां डांट के कराएंगे, हमें तो देखो पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाओ पापा ने क्या है, बोलो तुम भोजन करो, तुम कहोगे अटपेरा घी चाहिए, नमक चाहिए, शक्कर चाहिए, ए ज्यादा धर्म नहीं करो, हमारी बस की नहीं है, मैंने आप क्या के देखो, आप बिल्कुल मुश्किल है आपकी, हम जाएंगे तो भावना होएगी तो 10 दिन पहले से तैयारी, घी बना लेंगे, ये कर लेंगे, और तुम्हें उलाना देंगे, पानी नहीं ला सकते कुआ को लेके, मेरा मतलब है यही तो अपना परिवार है, और कौन सा परिवार ढूंढने जाएंगे, ऐसे व्यवहार की बात है, परमार्थ में देखो भैया कितना बड़ा परिवार मिलेगा, व्यवहार का उधर और परमार्थ ये आनंद गुणों का वैभव भी है, अरे बहुत बहुत अच्छा है, अभी कोई प्रश्न पूछा भी था ब्रह्मचर्य के फायदे क्या है, यही सबसे बड़ा फायदा है
यहां भी आनंद से रहो, मोक्ष में भी अनंत काल आनंद से रहो। यहां भी किटकिट नहीं, वहां तो है ही नहीं, दोनों जगह आनंद। ब्रह्म स्वभाव को जानो, आनंद करो। हम तो कहें हमारा बैरी भी नहीं पड़े भाई ये 10 चक्कर में, लेकिन आप लोगों से नहीं कह रहे, मतलब ग्रस्त लोगों से नहीं कह रहे ये बात, हमने उस एंगे से नहीं कह रहे। बुद्धिपूर्वक किसी की ऐसे उदय ना हो, और हो जाए तो कोई बात नहीं, भिन्न देखो, उदय से भिन्न देखो, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि जैन धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, सबसे बढ़िया बात है। कोई परिणति हो, कोई ग्रस्त हो, ब्रह्मचारी हो, सबका स्वागत है, ऐसी बात है। हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं तो ऐसा लगता है कि परोपकारिता की भावना कम होती जा रही, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। स्वार्थता की गंध बढ़ती जा रही, ये अविवेक कैसे दूर हो। बस जी सब उत्तर इसी में ही समा गए सारे। अभी बताए ना, पहले सबको भगवान देखने की ताकत बढ़ाओ, बस जी बहुत हल्की बात है हटा दो। देखो मैं कई बार अपनी जब सभा हुई थी मौ वगैरह शिविर थी, हम सब भैया भी थे सुकुमार जी वगैरह, तब एक बात कही थी मैंने कि ब्लड रिलेशन से बड़ा सोल रिलेशन दिखाई देना चाहिए। ब्लड रिलेशन ही ब्लड रिलेशन, फिर काय की पढ़ाई करी अपन ने कि जी हमारा खून का संगाती है, जी हमारा है, वो उनका है, जी इनका, जी उनका। अरे जी क्या हो गया, तीन लोगों सारे जीवों के प्रति प्रेम बढ़े, प्रेम भाव हो, हमें तो इसलिए हम खुद उलाइना देते हैं भैया कि अपन मंदिर में इतनी अच्छी बात सुनकर आते हो, घर में इतना सा परायापन दूर नहीं हो पाता। मुश्किल से पांच मेंबर है घर में कुल मिलाकर, पांच छह, पांच छह, और उसी में इतनी टूट फूट की इन्हें ढंग से नहीं देख पाए, उन्हें ढंग से खिला नहीं पाए, देरानी का बच्चा अलग, जेठानी का बच्चा अलग, क्या है। बहुत विशाल हृदय की जरूरत है, विशाल हृदय से। अब बताओ, हम तो तुम तो कह रहे हैं कि आपस में, हम तो कह रहे हैं तीन लोग के प्रति परोपकार का भाव आएगा। अब आपको सच्ची आत्मार्थता यह है कि तीन लोग के प्रति करुणा, वात्सल्य, प्रेम उमड़ता ही है। ही कह रहे हैं ही, उमड़ना उमड़ाना नहीं पड़ता, उमड़ते ही है, करना नहीं पड़ता आर्टिफिशियल। इसीलिए तो वो बात्सल्य की चर्चा भी शुरू में कर ली ना अपन ने, वात्सल्य उपगुण स्थिति गण प्रभाव ना कैसे होती है वो सब जी, नैसर्गिक, एकदम नैसर्गिक। देखो एक बहुत अच्छी बात कहें, अपन अमेरिका जा रहे हो और अमेरिका में एक महीने रहे अपन, एक महीने में एक भी इंडियन नहीं मिला, एक भी भारतीय नहीं मिला। एक दिन एक ऑटो में बैठे से मुसलमान था, चला रहा था, पहली बार उसके मुख से हिंदी सुनी अपन। वो हिंदी के वचन सुनते से कैसा लगता है आपको बता सकते हो, है कभी फीलिंग की है आपने। मैं दो महीने तमिलनाडु में रहा, एक दिन हिंदी के अक्षर देखने को नहीं मिले अखबार में कहीं, तो ऐसी आंख तरसती थी, ऐसा लगता था जब अखबार एक बार देखने को मिला तो एकदम क्या गदगद हो गए। अब वो मुसलमान उसे पाकर के आपको कैसा लगा, अरे आप हिंदी कहां से आए भैया, अरे हम उज्जैन की, अरे उज्जैन इतने तो तुम उज्जैन, उज्जैन के तो हम भी हैं, आगे क्या क्या बात होगी बता सकते फिर, कौन से मोहल्ले में रहते हो, अरे वो चिमनगंज, अरे अब तो अब कौन है वो मांसाहारी, तुम कौन हो शाकाहारी, होगा अब देखो होगा माने कौन, होगा माने कौन, अरे चिमनगंज कहां गली नंबर 10, अरे 10 में तो कैसा लग रहा है बताओ, कि घर नंबर 26, अरे 25 मेरा है, कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था उससे पहले आ गए हम, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं बेटा कि हाँ मुसलमान तुम्हारे बगल में रहता है, लेकिन तुम अरे अब तो ऐसा लग रहा है बेटा घर चलो, बेटा घर चलो, घर चले जाएंगे, भले कजू खाए पिए नहीं, लेकिन माने जब एक मुसलमान से इतना वात्सल्य हो सकता है, वात्सल्य माने प्रेम का व्यवहार, कौन से जिसका हम पानी नहीं पी सकते उससे इतना प्रेम का व्यवहार हो सकता है, काय किसके बल पर, कि हमारे उज्जैन का है, भारत का है, उज्जैन का है, हमारे मोहल्ले का है, हमारी गली का है, हमारे घर के बगल का है। और भाई कोई संदेश दे देना हम घर जाएंगे वापस। अब संदेश तो क्या दें बेटा, आजकल तो मोबाइल है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अब वो आते से ही आप घंटा भर सुनाओगे, पूछ नहीं रहे, वो पूछ नहीं रहे यहां उज्जैन में कि हमारे पिताजी मिले थे कि नहीं मिले थे, लेकिन आप जान जान के वो सुनाओगे, क्यों सुना रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, उसने मैसेज दिया नहीं आप क्यों दे रहे हो,
अरे क्या बताएं भैया, मिल गए थे और ऐसा लगा हमें तो, और घर जैसा। भैया जब एक हिंदू मुसलमान के बीच में इतना प्रेम हो सकता है, अपन मोक्षगामी जीव, कैसे कहते हैं मोक्षगामी जीव, किससे कहते हैं बता, कितना बात्सल्य हो जाए ना। मैं तो फिर कहता हूं ये मुझे बहुत क्या करें, वो तो इतना घटिया लगता है कि ये देवर का बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये उनका बच्चा है, ये उनका भाई, सबसे घटिया ऐसा लगे मेरे बस लगे हैं। तो पहले तो उसकी खूब बैंक का क्या कहें, क्या करे बताओ, कैसे करें। परोपकार तो ऐसे होता है, सहज होता है, बड़ा परोपकार हुआ, चिंता नहीं करो। एक बार आप समझो इस बात को, भगवान आत्मा है कि नहीं, नक्की करो पहले, ऐसा नहीं करो। असल में ये भी एक औदिक भाव का एक पॉइंट है, चर्चा तो पूरी हुई नहीं ना, औदिक भाव का एक पॉइंट है, हो नहीं पाएगा इसलिए अभी बता देती हूं। औदिक भाव की एक विशेषता है कि उसे अपना परिणाम ही सच्चा भाषित होता है और दूसरों पर कोई विश्वास नहीं होता है। एक औदिक भाव की विशेषता यह है, जैसे मैं ब्रह्मचारी हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है हमेशा इस हिंदुस्तान में ही ब्रह्मचारी सच्चा हूं, बस मैं ही प्रवचनकार सही हुआ, ऐसा लगता है, लगता है, मैं खुद कह रहा हूं लगता है। भले वो हमें लोग व्यवहार में ऊपर से कुछ भी बोलूंगी, अंदर अंदर मुझे पता है वो एक चलती रहती धारा से। मैं आपको इसका स्पष्ट करूं, देखो प्रवचन में अब किसी समझ लो बहुत अच्छे कोई दो व्यक्ति जोड़ लो, पूछ लो एक व्यक्ति ढूंढ लो इसमें से सबसे अच्छा, ये जी बहुत अच्छे, और हमें तो ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल अगले भाव में मोक्ष जाएंगे। अब व्यक्ति कोई भी हो, एक्स वाई जेड, उसके घर में जाके उसकी पत्नी से पूछो या पति से पूछो या सास हो तो बहू से पूछो, क्यों बेटा तुम्हारी सास तो उज्जैन मंडल में नंबर वन है, एक आध भवावतारी हो, एक आध भाव में मोक्ष जाएंगे, तो बहू का कैसा उत्तर आएगा बता सकते? तुम क्या जानो भैया, ये तो हम जानते हैं, तीन काल में मोक्ष नहीं होगा इनका। सम्यक दर्शन हो, इन्हें स्वप्न में नहीं हो सकता। बहू की तारीफ करके देख लो सास से, आप मैंने आप करके देखो प्रैक्टिकल, बहुत कोई कम जीव होंगे जो सहजता से कहने नहीं, वास्तव में जीव तो जीव, बहुत मुश्किल, बहुत तो नाप के देखो अपने अपने बिल्कुल, उसको क्या नाप के देखो। ये औदिक भाव का एक दुर्गुण समझ लो, बहुत बुरा, ये ठग लेगा आपको, मोह में ठग लेगा, मोह मोह में नहीं पड़ना। ये देखो मैं रात को खाऊं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चलता है, आज पंचम का है, महाराजों को तो देखो कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, अपन तो कुछ नहीं कर रहे। इसने अपने औदिक भाव कैसे ढक लेगा जी, बस औरों से तो अच्छे हैं, और ब्रह्मचारी तो देखो टीवी तक देख रहे, फला तक कर रहे, जे कर रहे, वो कर रहे, हम कितने बढ़िया। माने ये किसी ना किसी औदिक भाव के बल पर अपने को बड़ा मान के तैयार है, छोटा सा भी दोष हो ज्ञानी को तो बर्दाश्त नहीं होता, और मोही को बर्दाश्त नहीं होता, प्रेम से छिपाता है उसको, किसी और बड़े दुर्गुण के बारे में सोच लेता है, देखो इतना बड़ा दुर्गुण तो नहीं है हमने। अरे नहीं है भैया, लेकिन जो एक पांच तनक सी तन में साले उसका क्या होगा, देख लेना भैया। जब भी हम गौरवान्वित होते हैं अकेले में तब तो हम अपने से हल्के लोगों को देखा करते हैं, हल्के आचरण, हल्के स्वाध्याय वाले, हल्की क्रिया वाले, अरे देखा ही नहीं हमने, है ना। तो उनको देख के खुश हो जाती है, हल्के ब्रह्मचारियों को देख के खुश हो जाते हैं, शीतलाचारियों को देख के खुश होते हैं। ये अपने जीवन का एक बहुत बड़ा दोष होगा यदि ऐसा हो तो। तुलना कर शिवलोक से लिखा है, तुलना कर शिवलोक से, तुम्हें जब देखना हो तो गुणी जनों को देख, उनको देख देख करके हृदय, अरे ऐसी दशा कब होगी, ऐसी दशा कब होगी, ऐसी दशा कब होगी, हम इनसे अच्छे हैं। ये मोक्ष मार्ग में विचारणी नहीं है, हमें ये विचारणी है कि हमें अभी कुछ भी तो नहीं है, अभी तो जी हो, अभी कुछ भी तो नहीं है, ऐसा हो, ये इसका विचार करना। अभी इतने प्रश्नों के जवाब हो पाए और चर्चा नहीं हो पाई। एक है और एक स्वार्थता का भी समय है, स्वार्थी से होते जा रहे, सच्ची बात बताएं, स्वार्थी हो जाओ सोई परोपकार शुरू हो जाए, स्वार्थी खबर नहीं है। स्वयं माने, स्वयं माने अर्थ माने प्रयोजन, आप आत्मा का प्रयोजन साध लो, फिर तुम्हें ये नहीं कुछ नहीं बचेगी जो आप सोच रहे हो, इसमें कभी नहीं बचेगी। हम एक बात करें, हम आपकी सेवा करेंगे, इसमें हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। देखो बहुत सरल दृष्टांत है, सारे हिंदुस्तान में सोनगढ़ के ऊपर एक शंका है,
कि जे अपने पंडितों को पैसे देती। संघ का होना स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि बनिया पैसा के बिना हिले नहीं, तो जी कैसे हिल रहे। अपना व्यापार छोड़ देते हैं, दस दस पंद्रह पंद्रह दिन, पांच दिन, आठ दिन दौड़े फिरते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जरूरत पड़ जाए तो आने जाने का टिकट तक नहीं लेते, है ना। जहां जैसा कोई ना कोई बात तो होगी, दाल में कोई काला जरूर होगा। बनिया आदमी बिना पैसा के सर के कोई बात तो होगी, मैंने ये इनके दिमाग में है। तो फिर जी बात तो प्रश्न चिंतनी है, मतलब पैसा मिलता है नहीं मिलता है। अब इसकी चर्चा तो हमने गुरुदेव सिंह की जीवन चरित्र में बड़े विस्तार से समझाई ये बात, लेकिन अभी मैं उसका एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं। मैं हमेशा समाज में कहता हूं कि हमारे गुरुदेव श्री ने हमें रत्नकंठ साहब का आचार्य जी की लाइन पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है? कि ज्ञान दान को फल केवल ज्ञान हुए है। हम कुछ फोकट में काम नहीं कर रहे, हम अपना केवल ज्ञान कर रहे, हम अपना केवल ज्ञान साध रहे हैं। जो ज्ञान दान कर रहे हैं मतलब पूरे हिंदुस्तान में जा जा करके यदि कोई काम साध रहे हैं तो हम केवल ज्ञान साध रहे। अब कौन मूर्ख होगा कि ज्ञान दान के बदले में 10,000 लेकर संतुष्ट हो जाए, 20,000 लेकर संतुष्ट हो जाए, 1,00,000 रुपए लेकर संतुष्ट हो जाए? मूर्ख होगा। 1,00,000 रुपए तो यहीं छोड़ के मर जाएगा वो। नहीं समझ में आई? मेरे पास आज जितना पैसा है, यदि मैं अभी पैसा लेने भी लगूं तो फिर क्या होगा? नहीं होगा क्या कि मैं मरते समय 5,00,000 नहीं छोड़ूंगा, 25,00,000 छोड़ूंगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छोड़ के तो मरना ही पक्की बात है। ये तो मैं मूर्ख हूं कि 25,00,000 ले केवल क्या छोड़ दूं उसके बदले में? मैंने हम कोई भी एहसान थोड़ी कर रहे हैं, बड़ी भक्ति से करेंगे ये काम। क्यों? हमारा काम हो रहा है इसमें, तो हमें अपना ही प्रयोजन भाषित हो रहा है। इसलिए मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में 500 जितने विद्वान जाते हैं वो पैसे के देखते ही नहीं, पैसा की ओर देखते ही नहीं। भ्रम हो गया वो, भ्रम न। अरे जिसको इतनी बड़ी निधि मिल रही हो वो कौन मूर्ख ठगाएगा? हमें तो जिला कौन मूर्ख ठगाएगा? वो पैसे लेने वालों की हालत देख ली, बहुत बुरी हालत हुई। हम नाम नहीं लेते किसी के, बहुत बुरी हालत हुई। क्या पैसा ले, पैसा करो क्या? तो मैंने हम तो कह रहे हो केवल, अभी तो व्यवहार की बात है, केवल ज्ञान हो है ज्ञान दान को फल। कितनी खुशी हो इसी को यदि ये मालूम हो, प्रेम से प्रसन्नता से सावधानी से खूब किए जाओ ज्ञान दान। व्यवहार की भाषा है, कोई लालच लोभ की बात नहीं समझना इसमें, वो तो नैसर्गिक बात है एकदम। गणेश प्रसाद जी बंडी जी बहुत बीमार रहते थे, तो उन्होंने तो बहुत सेवा करते थे लोग, तो एक बात बोले, भैया जरूर मैंने ज्ञानियों की भैया वृत्ति नहीं की होगी, मैंने ज्ञानियों की सेवा नहीं की होगी। क्या मतलब? तुम्हें इतनी सेवा करने वाले मिल रहे तो सेवा करी होगी ना राजेश? इतने सेवा करने वाले रोज खड़े रहते थे, बिल्कुल ला मालिश कर दें, हाथ पैर दबा दें, सिर दबा दें, पूरी उनके जीवन में कभी तकलीफ वैसी नहीं रही कि कोई सेवक ना रहा हो। तब तुमने सेवा करी हुई भाई, उसी फल में मिली ना ये चीज। वे बोलते ना, यदि मैंने ज्ञानियों की सेवा की होती तो मैं असमर्थ ही ना होता, यदि मैंने ज्ञानियों की बुजुर्गों की भैया वृत्ति की होती तो मैं बीमार नहीं होता। आहार दान का फल कोई आहार दान देगा ये नहीं है, आहार की जरूरत नहीं पड़ेगी। औषध दान का फल ये नहीं है कि औषध हमें बीमारी में औषधि मिलेगी, औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में कभी। ज्ञान दान के फल में किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, ज्ञान दान के फल में स्वयं बुद्ध होंगे। अब बोला स्वार्थ कौन साध रहा है? मैं पक्का स्वार्थी हूं अरुण भैया, पक्का स्वार्थी हूं, फ्री में प्रवचन नहीं कर रहे ऐसे। आप सोचो अपन जो परस्पर में काम करते हैं, पाठशाला है, ये है, बच्चों की है, एक चीज खाली नहीं जाती, अपना काम सध रहा है। हम दूसरों की समाधि मन कराएंगे, हमारी समाधि स्वयं ही होगी। नहीं मिले एक आदमी संयोग के पराधीन नहीं है, ना मिले एक, उसके फल ऐसा है जोरदार। सोचो अपना काम कितना सरल है। तो असली स्वार्थ तो ये है, खूब करो भैया अपना स्वार्थ, है ना। अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी रह गए तो हम, और ये तो इतने सारे हैं कि नहीं सबको जाना भी देता। अच्छा।
मेरे को तभी रात को ही बोलना है। ज्ञान की ज्योति